हेलो दोस्तों, कैसे हैं साहब? स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में अश्वराज सीरीज की अगली कॉमिक्स, अश्वराज और कल्पतरु। अश्वनाथ के किले से निकलकर कुछ ही फासला तय कर पाया था अश्वराज, और इधर कल्पतरु में सहसा ही तीव्र गति के साथ होने लगे कुछ परिवर्तन। बुरी तरह से चौंक कर रथ रोक दिया अश्वराज ने। हे भगवान, ये कल्पतरु को एक क्या हुआ? नीलकंठ तीव्रतम स्वर में हिनहिनाया और अश्वराज ने उसकी हिनहिनाट को स्वर प्रदान किए। अश्वराज, नीलकंठ कह रहा है कि हमारे साथ धोखा हो गया है। ये कल्पतरु नहीं है अश्वराज, इसे रूप परिवर्तित करते देख मैं तुरंत ये बात समझ चुका हूँ मित्र। उफ, अब अश्वराज के सामने था वो कौन? क्वाक कर, वो अश्वराज मैं वो हूं, वो यानी वो अश्वराज। तुम जिस गति से स्वामी अश्वनाथ के भेजे अंगरक्षकों, मैं, तुम और हम को समाप्त करते हुए किले की ओर बढ़ रहे थे, उसे देखते हुए स्वामी अश्वनाथ ने यह चाल चली और मुझे यानी अपने एक और अंगरक्षक वो को कल्पतरु में परिवर्तित कर दिया और असली कल्पतरु को भेज दिया महातिलिस्म में। अश्वराज, अगर तुम मुझसे बच जाओ तो अब तुम्हें कल्पतरु प्राप्त करने के लिए स्वामी अश्वनाथ के महातिलिस्म में प्रवेश करना होगा। महातिलिस्म? अश्वराज की कनपटियां सनसना उठी है नाम सुनकर। रथ छोड़कर वो के सामने उसका मुकाबला करने के लिए आ गया अश्वराज। वो कल्पतरु को प्राप्त करने के लिए अश्वराज महातिलिस्म में अवश्य प्रवेश करेगा, वो से बचेगा तब ना। आह, वो ने अश्वराज के कंधे पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। उफ, वो अपने पंजे से अश्वराज के सीने पर रक्त की लकीरें बनाता चला गया। बेहद फुर्ती के साथ की थी वो ने अपने जंग की शुरुआत। अश्वराज को शीघ्र ही एहसास हो गया कि वो के आक्रमण की तीव्रता का। वो, बेटे तुझे वहां भेज दूंगा जहां से तू कभी वापिस नहीं लौट पाएगा। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ अश्वराज। अश्वराज ने वो को उछाल फेंका, सिंह समान छलांग लगाकर अश्वराज पर तुरंत ही आ गिरा। वो हूं मैं वो, हा 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 हा, ये तो चीते सा फुर्तीला है। एक शैतान का रक्षक, दूसरा अश्वता का। अद्भुत शक्ति भरी है इसके जिस्म में। तेजी के साथ लुढ़कते हुए दोनों आ पहुंचे मौत के द्वार पर और उस चट्टान से टकराकर छितराकर अलग हो गए अश्वराज और वो। वो ने उठा ली अश्वराज की तलवार। हा 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 हा, अश्वराज तेरी ही तलवार और तेरा ही सर, वो ही दिखा सकता है ये करामात। वो के वार से छोटे छोटे कंकड़ों में बदल गई वह चट्टान और अश्वराज भी परिवर्तित हो गया अपने विलक्षण महाअश्व इच्छाधारी रूप में। वो ने किया प्रहार, अश्वराज ने थाम ली उसकी कलाई। वो, अब तुझे दिखाऊंगा कि अस्थियां टूटने के स्वर कैसे होते हैं। वो की मर्मान तक चीख गूंज उठी। अश्वराज ने वापिस प्राप्त कर ली अपनी तलवार और एक झटके से कर दिया वो का सिर धड़ से जुदा। उसी के साथ अश्वराज लौट आया अपने पूर्व रूप में। तब अश्वराज, मैं, तुम, हम और अब वो, शैतान अश्वनाथ को भी अपना नाम हमारे तुम्हारे इसका या उसका रखना चाहिए था। वह अपना नाम कोई भी रखता अश्वट, मृत्यु तो उसकी मेरे ही हाथों आनी थी, किंतु कम वक्त मरते बढ़ते भी मेरे लिए समस्या खड़ी कर गया और हम जान तक ना सके कि जिस कल्पतरु को प्राप्त कर हम इतने प्रसन्न हो रहे वह भैरूपी या वो है। अश्वराज ने रथ को वापस अश्वनाथ के किले की ओर मोड़ दिया। चलो मित्रों, हमारा सफर एक बार फिर आरंभ हो गया है। कल्पतरु की वापसी के लिए अब हमें प्रवेश करना होगा महातिलिस्म में। क्या था महातिलिस्म जिसमें प्रवेश के बाद अश्वराज के दांतों तले पसीना छूटने लगा? इधर नाल की मूर्छा अभी तक न टूटी थी। राजवैद्य नाल की अवस्था पर पूरी निगाहें रखे हुए थे। नाल को अब शीघ्र ही होश में आ जाना चाहिए। न जाने कब दूर होगी पुत्र की मूर्छा और उधर क्या अवस्था होगी युद्ध की। तभी सम्राट राजकुमार अखोर, अखोर क्या हुआ अखोर को? राजकुमार अखोर का जिस्म गलने लगा है सम्राट, क्या बकते हो सैनिक? धतूरा खाकर आए हो क्या? धतूरा एक प्रकार का नशा, लेकिन अखोर के शव की अवस्था देखकर बुरी तरह चिहुक पड़ा अश्व खपती। आ नहीं, विस्फोट करता हुआ विचार मस्तिष्क में गूंज उठा। उफ, इसका अर्थ हुआ कि अश्वनाथ का महाअश्व यज्ञ सफल नहीं हो सका और वह मारा जा चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता, अश्वनाथ इतनी आसानी से नहीं मर सकता। किसने मारा उसे? कहां है कल्पतरु? कौन बन गया अखोर के जीवन की राह की रुकावट? अश्व आवेशपूर्ण स्वर गूंज उठा रानी अन्नपूर्णा का। आप स्वामी, आप स्वयं हैं अखोर के अंत का कारण। अन्नपूर्णा ठीक कह रही है स्वामी, आप प्रतिशोध की भावना त्याग कर युद्ध विराम की घोषणा कर दें, इसी में ही हम सबकी व संपूर्ण अश्वलोक की भलाई है। हाँ स्वामी, अन्यथा ईश्वर न करे कि अखोर के अंत व नाल के अंग
भंग के पश्चात अब हमें अपने किसी और पुत्र के बलिदान का समाचार सुनना पड़े। तभी सम्राट, कहो सैनिक, क्या समाचार लाए हो? अश्वसैनिक का सिर शोक व दुख से लुढ़क झुक गया। सम्राट, सैनिक, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या समाचार लाए हो युद्ध भूमि से? राजकुमार अश्वनेत्र रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। यह सुनते ही सबके कंठ से चित्कारें फूट उठी। असंभव! आह, अश्वनेत्र पुत्र नहीं! क्रोध से मुट्ठियां भिज गई अश्वखप्ति की। और हमारे शेष पुत्र खुर्रा, अश्वभूज इत्यादि, वे सब कहाँ हैं? सूर्यास्त के पश्चात से ही वे सब विचार भवन में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं सम्राट। तड़प कर कह उठी रानी अन्नपूर्णा, उफ, क्या अब भी आप युद्ध समाप्ति की घोषणा में विलंब करेंगे स्वामी? फटे बादल की तरह गरज पड़ा अश्वखप्ति, यह युद्ध समाप्त नहीं होगा अन्नपूर्णा। यह युद्ध तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक अश्व सम्राट के सिंहासन को छीन न लूंगा मैं। व्यंगात्मक मुस्कान तैर गई रानी अन्नपूर्णा के होंठों पर। धन्य होगा वह अश्व सम्राट जो अपने पुत्रों के शवों के सिंहासन पर बैठेगा। अन्नपूर्णा, आह, चलो अन्नपूर्णा, यहां हमारी पुकार नकार खाने में तूती की तरह साबित होगी। अब सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो, तब चाहे सूर्यवंशी को खाक में मिला देना पड़े, पर होगा वही जो मैं चाहूंगा। तुम्हें उठना होगा पत्रखोर, तुम्हें जीवित होना होगा। फिर विचार कक्ष में पहुंचकर अश्वखप्ति की निगाहें जा चुकी खुर्रा पर। तुम कौन हो? तुम खुर्रा के वेश में उछल पड़ा था अश्वपूंछ भी। विस्फुरित नेत्रों से कहटा अश्वपूंछ, पिताश्री, ये आप क्या कर रहे हैं? आप खुर्रा को पहचानने में भूल कर रहे हैं? हमारी आंखें इस भैरोपी को पहचानने में धोखा नहीं खा रही पुत्र। अगर तुमने 5 क्षणों में अपना असली रूप हमें न दिखाया तो हम बेहिचक तुम्हारा से धड़ से जुदा कर देंगे। कठोर स्वर का जादू सा हुआ उस पर और सफलता से चमक उठा अश्वहत्ति का मुख। उफ, धोखेबाज, कौन है तू? मेरा भाई खुर्रा कहाँ है? बता धोखेबाज, बता! और क्रोध से जिसमें सूखे पत्ते सा कांप उठा अश्वपूछ का। क्षमा करें राजकुमार अश्वपूछ, मेरा नाम अश्वरूपिया है। स्वयं राजकुमार खुर्रा ने ही मुझे ये छदम रूप धारण करने की आज्ञा दी थी। क्यों? अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए। राजकुमार खुर्रा सूर्यवंशी सम्राट अश्वराज की अर्धांगिनी राजकुमारी कुदुम चुंबी को अगवा करने सूर्यवंशी गए हैं। क्या? उफ नहीं पिताश्री, खुर्रा अकेला दुश्मनों की मांग में प्रवेश कर गया, उसके प्राण संकट में है पिताश्री। नाल अभी तक मूर्छित है, अश्वनेत वीर गति को प्राप्त हो गया। अखोर को हम कल्पतरु की बलि देकर जीवित करना चाहते थे, किंतु अश्वनाथ वह यज्ञ पूर्ण न कर सका। अखोर का शव सड़ने लगा है और अब खुर्रा, उफ, एक के बाद एक असफलताएं मिल रही हैं हमें। सन्नाटे में खड़ा अश्वपूछ वह सब सुन रहा था। अश्वपूछ, तुम्हें इसी क्षण खुरघाटी जाना होगा। खुरघाटी यानी भैया अश्वभीम के पास? हाँ पुत्र, दिवस रात्रि हर पल अश्व शैतान की तपस्या में डूबा रहने वाला तुम्हारा भाई अश्वभीम कल हमारी सेना को नेतृत्व प्रदान करेगा। अश्वभीम, मैं शीघ्र ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा पिताश्री, किंतु तुम्हें खुर्रा के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पुत्र। हमें पूर्ण विश्वास है कि उसके बाहुबल पर, और हम तब तक पता लगाएंगे अश्वनाथ की असफलता के रहस्य का, कल्पतरु का, अखोर के जीवन में बाधा आई उस शक्ति का। कठोर होता चला गया अश्वखप्ति का चेहरा। सूर्यवंशी सीमा पर आकर ठहर गया खुर्रा और उछाल दिए कई खुर। सूर्यवंशी को सैनिकों ने कई ओर से घेर रखा होगा। उन सैनिकों से मुकाबला करेंगे मेरे ये अद्भुत सैनिक, किंतु बिना नेत्रों के ये सब बेकार है। लो खुर्रा अब दे रहा है इन्हें नेत्र व जिस्म। और इस प्रकार तैयार हुई अश्वों की यह खतरनाक नस्ल कांटा। खुर्रा के एक संकेत पर तूफान मचाती आगे बढ़ी कांटा की फौज। जाओ इन मूर्ख अश्व सैनिकों से खुर्रा की राह साफ करो। खतरा! आतंक मचा दिया कांटा ने। राक्षस घोड़ों की नस्ल थी वो। ओह, खूनी! रक्त पिपासु भी थे कांटा। क्रूरता की चरम सीमा थी वो। बचाओ! पर कौन किसको बचाता, वहां तो सबकी ही जानों के लाले पड़े थे। उफ, हम इन अश्वों का सामना कर पाने में असमर्थ हैं। खुर्रा के अठास पर अठास गूंज रहे थे। मूर्खों, उस मौत से तुम्हें केवल खुर्रा बचा सकता है, केवल खुर्रा। और खुर्रा मौत के ये कदम तब रोकेगा जब उसे प्राप्त हो जाएगी तुम्हारी घमंडी राजकुमारी कुदुम छुंबी। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अश्वराज और कल्पतरु के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।